हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि अभी समर सीजन आ गया है और इसको शायद रैशेस हो गए, तो सर ने मेरे को, डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट करा था कि इसका ट्रिमिंग करवाना है। सो अभी मैं इसको ट्रिम करवाने लेके जा रही थी। वीडियो को लास्ट तक देखो एंड इसको प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। स्किप वॉचिंग। रुक इधर, रुक इधर, इधर आ, इधर आ नॉटी। तो इसका बहुत भयंकर, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, देख लो। बहुत बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है इसका। नॉटी, नॉटी। नॉर्मली हम इसीलिए इसमें ना ट्रिमिंग सजेस्ट करते हैं। मतलब आप ये कर सकते हो कि आपके, मतलब आपका अगर डॉग फरी डॉग है, हेयरी डॉग है, तो आप उसके बाल कट कर सकते हो या फिर उसको ट्रिम कर सकते हो। तो ट्रिमिंग के बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो जैसे कि बालों में अगर कुछ सैंड जमा है या फिर अगर हमारा डॉगी जो है, पप्पी जो है, वो रेत में खेलता है, मिट्टी में खेलता है, तो उसके बालों के ऊपर में वो जमा रहती है, तो उसकी वजह से एलर्जेटिक रिएक्शंस भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो आप अगर एक बार आप ट्रिम करते हो, उसके बाल निकालते हो, तो आपको देख सकते हो। दूसरी ये बात होती है कि हेयर्स की वजह से उसको काफ़ी गर्मी होती है, अगर आप ट्रिम कर देते हैं तो गर्मी होना कम हो जाता है, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे कुछ आपको एलर्जेटिक रिएक्शन दिखती है, जैसे कि रेडिशनेस नॉर्मल भी दिखता है ज़्यादा गर्मी की वजह से, आपको रेड पैचेस दिखेंगे बॉडी के ऊपर, तो आप वहाँ पे अगर आइस क्यूब्स लगाते हो तो इमिडिएटली रेड पैचेस चले जाते हैं, या फिर आप वहाँ पे कुछ एंटीसेप्टिक लोशन लगा सकते हो, टॉवल रैप कर सकते हो, तो इस वजह से एलर्जेटिक रिएक्शन भी कम हो जाएगी और बाल थोड़े से कम होने की वजह से, पर्टिकुलरली आवर एरिया जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है, 40 डिग्री रहता है, 45 डिग्री रहता है, तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने में भी ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है, एंड इन्फेक्शन से भी काफ़ी बचाव होता है उसका, आप देख भी सकते हो। तो जैसे कुछ कुछ लोग रहते हैं, जैसे किसी को चाहिए कि नहीं हमारा डॉग अच्छा दिखना चाहिए, तो मोस्टली कुछ कुछ ट्रिमिंग के लिए प्रिफर नहीं करते हैं, ट्रिमिंग वो नहीं करना चाहते, तो हेयर फॉल पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? नॉर्मली ये है कि अगर हमें हेयर फॉल कंट्रोल करना है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ेगा। तो हमें बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए आप एसी में रख सकते हो या फिर ठंडी जगह पे रख सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि मतलब जनरली स्ट्रेस अगर आता ही है, क्योंकि जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ता है तो ही विल एक्सपोज टू द नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर। तो अगर बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आता ही है तो आपको उसको सप्लीमेंट्स देने हैं, काफ़ी सप्लीमेंट्स देने हैं, तो जो सप्लीमेंट स्किन को प्रोटेक्ट करें, जैसे कि ओमेगा 369 है, बायोटिन है, सल्फर है, एंड मेनली इज अ बॉडी टेम्परेचर,
आप उसके ऊपर कंटिन्यूसली पानी का छिड़काव कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल हेयर मेंटेन करना है तो आपको सुबह शाम उसके बॉडी के ऊपर में पानी डालना है, पानी का यूज़ करना है, क्लीन वाटर यूज़ करना है, और ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहे। उसके बाद में डेली आपको उसको कॉम्बिंग करना है तो बाल जमा ना हो जाए, और पानी का छिड़काव उसको कांस्टेंट रखना है ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहे, और डेली कॉम्बिंग करना है। तो और सप्लीमेंट्स लगेंगे कुछ, जैसे कि मैंने आपको बताया ओमेगा 369 सप्लीमेंट दीजिए, बायोटिन दे सकते हैं आप, और आपको वेट वेट को पूछिए आपकी क्या सप्लीमेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन, जैसे नॉर्मली समर में हमारा डाइट चेंज होता है, हम लोग ज़्यादा कर्ड खाते हैं या वाटरी फ्रूट्स खाते हैं, सो वाटरी फ्रूट्स आर वेरी गुड फॉर यूर डॉग्स। अगर आप डॉग्स को वाटरी फ्रूट देते हो, वट एवर, जैसे वाटरमेलन हो गया, पपैया हो गया, जो भी है, जो भी समर में फ्रूट्स आते हैं, तो ये फ्रूट्स आप उनको बार बार दीजिए, कंटिन्यूसली देते रहिएगा, जब भी आपको टाइम मिलता है, जब जैसे मैनेज होता है, तो उससे उनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, कूल रहेगा, उनका हंगर जो है वो मेंटेन रहेगा, अदरवाइज हंगर भी डाउन हो जाता है, डॉग खाना कम कर देते हैं। और ठंडा पानी दीजिएगा, ठंडे फ्रूट्स दीजिएगा, वाटरी फ्रूट दीजिएगा, सो यू कैन गिव ऑल टाइप ऑफ वाटरी फ्रूट्स, देर इज नो प्रॉब्लम, इट इज गुड फॉर देम। थैंक यू सो मच सर, वेलकम, अपना नॉलेज शेयर करने के लिए वेलकम।